रेके बाबा का स्वागत है। उपमंडल के संसाल गांव के मृतक अध्यापक सतीश के परिजनों ने पुलिस की ढीली जांच और इस मामले को लेकर बैजनाथ के परिवहन निगम कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक गुस्साए संसाल भट्टू बीट द्योल व नोरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उपमंडल संसाल गांव के मृतक अध्यापक सतीश के परिजनों ने पुलिस की ढीली जांच और इस मामले को लेकर बैजनाथ के परिवहन निगम कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक गुस्साए संसाल बट्टू बीड़ दियोलब नोरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है और असली मुजरिम अभी भी आराम से घूम रहे हैं। मृतक सतीश कुमार के पिता दौलत राम ने प्रशासन से मांग की है कि एसआईटी के गठन कर सीबीआई से जांच को लेकर हिमाचल के राज्यपाल को एक ज्ञापन एसडीएम छवि नाडा के माध्यम से भेजा। इस ज्ञापन में मृतक सतीश के पिता दौलत राम और अन्य परिजनों ने मांग की है कि सतीश की मौत को हुए 2.5 महीने का समय हो गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और पुलिस कुछ भी जानकारी इस मामले में नहीं दे रही है। उन्होंने पुलिस को शक के आधार पर कुछ लोगों के नाम भी दिए थे, जिनसे पुलिस ने आज दिन तक कोई भी पूछताछ नहीं की। उन्होंने पुलिस की ढीली कार्य प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई है। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार इस मामले में जल्दी निपटारे के लिए एक एसआईटी का गठन कर ताकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले की गुत्थी जल्दी से जल्दी ना सुलझाएगी तो आने वाले 10 दिन के अंदर बैजनाथ के चौबिन चौक में चक्का जाम कर हड़ताल करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी बैजनाथ प्रशासन व पुलिस प्रशासन की होगी। समस्त गांववासियों का आरोप है कि अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो ही प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस मौके पर एसडीएम बैजनाथ छवि नाटा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले को उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जल्द ही इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और किस चीज़ से इसको मारा है, ये पुलिस के पास कोई भी इसका साक्ष्य जुटा नहीं पाई है। कुछ भी पुलिस के पास इस टाइम उनका पकड़े है, अरेस्ट गिरफ्तार किए है, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। पुलिस की मिली भक्त है जी, पुलिस की मिली भक्ति है कि आज तक इन्होंने कोई भी इस बारे में अगर मारा है उसको तो उनको प्रूफ करना चाहिए था कि किस हथियार से मारा है, कहाँ मारा है, किस जगह से मारा है, कहाँ कैसे फेंका गया है। कोई आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया।